स्वास्थ्य के लिए जड़ी बूटी और औषधि पौधे कितने लाभदायक हैं, ये आपने किताबों में पढ़ा होगा, डॉक्टर भी बताते हैं, वैद्य भी बताते हैं। और आजकल कम से कम जहाँ पे दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लोगों का खान पान इस कदर से बिगड़ता जा रहा है और लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, एलोपैथी के अलावा लोग आयुर्वेद तब तेजी से भाग रहे हैं, ये किताबी बातें हैं और लोग अभी तक जो पढ़ते आए हैं सुनते आए हैं। लेकिन मेरठ की जेल ने इस मामले में बहुत अच्छी पहल की है और जेल के अंदर पूरा हर्बल पार्क बनाया है। आप ही देखिए ना, कौन सा एलोवेरा है, अनार है, सर्पगंधा है, हडचोड़ है और पता कितनी तरह की जड़ी बूटियाँ हैं जिसके बारे में आप सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं और किताब उनके बारे में जानकारी करते हैं, गूगल करके आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन जेल के अंदर जेल के बंदियों ने जिस तरह से यहाँ पर एक हर्बल पार्क बनाया, इसके पीछे पूरी तरह से जो जेल सुपरिटेंडेंट ने राकेश कुमार की पूरी एक सोच थी कि कैसे हम जेल को एक अलग तरह से डेवलप करें। और उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली के अलावा सिर्फ मेरठ ही ऐसी जेल है जहाँ पर हर्बल पार्क है, जहाँ पे आपको 50 तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, आपको बादाम भी मिल जाएगा, आपको सेब भी मिल जाएगा। आप हिमाचल मत जाइए, कश्मीर मत जाइए, आप यहाँ पे आके सेब का पेड़ देखिए, मौसमी देखिए, अनार देखिए, आप बादाम देखिए, हर तरह का जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको जेल के अंदर जहाँ पे खतरनाक बंदी हैं और खतरनाक एक से एक क्रिमिनल आपको दिखाई देंगे। साथ में इसी अलावा यहाँ पर एक से एक पौधे भी हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आप जब देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कैसे देखिए, अजवाइन है, सौंप है, जीरा है, हल्दी है, जो घर में रोज़ यूज होती हैं, जिनके लिए जहाँ बाज़ार से खरीद के लाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लगाया गया ये पौधे आने वाले समय में ये लाभ देंगे और जो बढ़ेंगे पौधे। अभी देखिए आज ADG राजीव सबरवाल भी लगा के गए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा जो हमारे सुपरिटेंडेंट साहब हैं कि सर इसके पीछे पूरी क्या मंशा थी आपकी और आपने क्या डेवलप किया है। ऐसा ना, ये प्रोग्राम अक्टूबर 2021 से स्टार्ट किया गया है। ये स्थान खाली था और थोड़ा गंदा रहता था, तो इसके पीछे सोच यही थी कि यहाँ बंदी लगभग 3000 रहते हैं और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होते हैं और विभिन्न परिवेश से आते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो बंदी यहाँ स्वयं लगाएं और स्वयं उसका उपयोग करें। तो इस सोच को देखते हुए कि यहाँ हर्बल पार्क का डेवलपमेंट किया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 9-10 महीने में हर्बल पार्क अच्छा खासा डेवलप हो गया है और धीरे धीरे ये और तेज़ी की तरफ उन्नत करेगा। ये सब मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, ये सब ये पूरी टीम का योगदान है और हमारे बंदियों का भी योगदान है। तो जड़ी बूटी आप कहाँ से लेके आते हैं? ये जैसे बाहर जो नर्सरी है वहाँ से मंगाते हैं या जहाँ कहीं बाहर हम घूमने गए और हमको लगा, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो जहाँ कहीं कोई पौधा मुझे दिखता है तो मैं ज़रूर ख़रीद करके और इस यहाँ हर्बल पार्क में ज़रूर लगाने का प्रयास करता हूँ और सोचता हूँ कि किसी को फ़ायदा हो या ना हो, हमारे बंदियों को अवश्य फ़ायदा हो, यही इसके पीछे सोच है। कि जो आपकी सोच है, क्या ये जो कारागर महानिदेशक हैं और जो शासन स्तर पे, क्या आपको इस तरह से कोई आपको कोई टारगेट मिला है या उनकी तरफ से आपको प्रोत्साहन आपको मिला है? हाँ, हमारे DG साहब इसके प्रति बहुत सजग रहते हैं और सबको अप्रिशिएट करते रहते हैं कि कुछ ऐसा नया किया जाए जो हमारे बंदी जो कारागार में निरुद्ध रहते हैं उनको लाभ हो, तो वही उनकी जो एप्रिसिएशन है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। कितनी तरह की जड़ी बूटियाँ आपने यहाँ पे लगा रखी हैं? यहाँ कम से कम 45 से 50 तरह की जड़ी बूटियाँ हैं और कोशिश ये है कि इसको और थोड़ा रिच बनाया जाए। तो इसके लिए कोई आपने अलग स्टाफ रखा है जो हर्बल पार्क डेवलप करने के लिए की जो? नहीं, ये जो हमारे बंदी भाई हैं इन्हीं के द्वारा ये सब पूरा काम किया जाता है, इसकी निराई और पानी और सिंचाई वगैरह सब यही हमारे बंदी भाई करते हैं। खाली ये रहता है कि हमारा सुपरविज़न रहता है, हम आकर के देख लेते हैं और जैसा कहते हैं वैसे हमारे बंदी करते हैं। ऑर्गेनिक है कि आप लोग इसमें केमिकल? पूरा ऑर्गेनिक है, किसी तरीके का कोई केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, गोबर और उसी की खाद है, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं। सबसे विलक्षण औषधि कौन सी आपको लग रही है यहाँ पे जो आपने जिसको लाने में आपको बहुत खुशी हुई और जो आप उसको बढ़ते देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं? नहीं, ऐसा है ना, जो भी पौधे लगे हैं सभी बहुत अच्छे हैं। अभी कल्प वृक्ष ला करके लगाया गया है, माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से उन्होंने लगाया है, तो जो भी पौधे हैं अच्छा है। कल्प वृक्ष लाने में और थोड़ा ढूंढने में ज़्यादा मेहनत पड़ी है, लेकिन सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, मन को संतोष होता है कि जैसे कुछ अच्छा करिए तो अपने को, आत्मा को, अपना मन सेटिस्फैक्शन अवश्य मिलता है। तो इसमें कोई बजट अलग से है क्या? बजट की कमी तो नहीं है इसमें? नहीं, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है,
ये तो खाली सोच का फ़र्क है, बजट की कहीं कोई कमी नहीं होती है। अपनी सोच है कि जैसा आप पॉजिटिव सोचने लगे वैसा सब धीरे 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 होता रहता है। ये सब जैसे ये स्वयंसेवी संगठन हैं उनके माध्यम से कई एनजीओ आ जाते हैं, वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि हम पौधे लगा दें, हम उपलब्ध करा देंगे, सभी लोग सहयोग करते हैं। अभी आपने देखा है जो जेल सुप्रिंटेंडेंट राकेश कुमार ने बताया कि ये उनकी खुद की इंटरेस्ट भी है कि जहाँ भी कहीं जाएंगे तो अच्छा पौधा मिलेगा लगाएंगे। इनके पीछे पूरी मंशा है कि बंदियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो उसी प्रकृति से जुड़े ताकि उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए और गलत कामों से बचें। और आज आप देखिए आने वाले समय में यही पौधे जो बड़े होंगे और फल देंगे और लोगों को लाभ पहुँचाएंगे तो जेल प्रशासन की अपनी पूरी मंशा जो उन्होंने मन में रखी हुई है पूरी होगी। कैमरामैन किशन सुरेंद्र प्रसाद, ज्ञान प्रकाश, जनवाणी न्यूज़।